ऑफ क्या आया हुआ एग्जाम में, आया अभी 2018-17, 18 में कुछ, 16-17 में कुछ आए थे ये लैग्रेंजीज इक्वेशन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल। लैग्रेंजीज इक्वेशन ने मतलब क्या लाना आपको, टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूफ करनी लैग्रेंजीज इक्वेशन, यही तो थी, याद करो भाई, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई इक्वल टू जीरो, याद आया, यही तो थी लैग्रेंजीज इक्वेशन, यही आपको प्रूफ करनी है भाई। चलो करते हैं भाई, किससे प्रूफ करना है, हैमिल्टन प्रिंसिपल से। तो लिख रहे भाई, सुनो भाई, बाय हैमिल्टन प्रिंसिपल, यानी हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल है, उसका मतलब हैमिल्टन प्रिंसिपल का मतलब है हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल का मतलब है हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल। क्या होता है आपको पता है, अभी बताया है, टी नॉट से टी वन एल डी टी इक्वल टू स्टेशनरी। अच्छा ये हो जाएगा डेल्टा एल, अभी पीछे कराए थे जीरो, अब देखो यहां से चेंज हो रहा है भाई। एल का मतलब क्या होता है जरा बताओ, एल होता है किसका भी, यहां लेफ्ट तरफ करना, एल होता है क्यू वन क्यू टू क्यू एन, क्यू वन डॉट क्यू टू डॉट, याद आया, क्यू एन डॉट कॉमा टी, और ये लिखा आपका डी टी और इक्वल टू जीरो। अरे एल छूट गया भाई, ये आपका एल, कोई दिक्कत किसी को, इसको आता है आपको करना, डेल्टा को डिफरेंशिएशन समझना, समझो डी लिखा है, अब डी एल कैसे निकाला था याद करिए, बिल्कुल वैसे डेल्टा करना आपको, नथिंग इज डिफरेंट, क्या करना आपको, चलो कर रहे हैं। पहले एल का कितना हो जाएगा, डेल एल बाई डेल क्यू आई, समेशन छूट गया है, समेशन भी होता था याद करिए भाई, बिल्कुल सेम जैसे डी एल किया था, आई बराबर वन से एन, चलो डेल एल बाई डेल क्यू आई और क्यू आई के बाद फिर से डेल क्यू आई और फिर डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट और डी क्यू आई डॉट, याद करिए भाई, डी की जगह डेल हो जाएगा बस और कुछ नहीं, डी की जगह डेल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं भाई, कोई दिक्कत, और टी वाला नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला जाता है हैमिल्टन प्रिंसिपल में बोला जाता है, क्या बोला जाता है बताओ, कि टाइम इंटीग्रल फिक्स होता है टाइम इंटरवल, ड्यूरिंग अ फिक्स टाइम इंटरवल, याद करिए, तो इसलिए टाइम नहीं, टाइम का डिफरेंशिएशन जीरो रहेगा, हम यहां लिख दे रहे कहो तो भाई अगली स्टेप में कर देंगे डेल एल बाई डेल टी और डेल और ये डेल्टा टी, रुक जाना, अगली स्टेप में कर देंगे हम, अगली स्टेप में कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, और ये डी टी आखिरी में अगली स्टेप में कर देंगे, आपको लिख के मैं आपको याद रहे तो आप कहोगे डेल्टा कहाँ टी कहाँ चला गया, आप कहोगे जैसे डी डी एल था वैसे हम डेल्टा लगाया है, अगली स्टेप में हटा देंगे डेल्टा टी, आपको बदल के साइड में स्क्रीनशॉट लीजिए फिर ऊपर करें, छोटी इंप्रूवमेंट है बस, दो लाइन की है, दो तीन लाइन और है, बहुत छोटी इंप्रूवमेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चलो भाई मेरे इसका चलो सुनना भाई जरा, यहां लिख दे रहे बट यहां साइड आपके लिए, आपके लिए बट इन हैमिल्टन, आपके लिए एग्जाम में नहीं लिखना है कभी, इन हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल टाइम इंटरवल इज फिक्स्ड, बताया जाता है टाइम इंटरवल फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब हो गया नो चेंज, नो चेंज, आपके लिए ये एग्जाम में नहीं लिखना है कभी आपको, नो चेंज टाइम में नहीं चेंज हो रहा है, नो चेंज इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं तो उसमें डेल्टा टी जीरो, ठीक है, डेल्टा टी जीरो, कोई भाई डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, कोई चेंज नहीं का मतलब कांस्टेंट हो गया वो, तो टी कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो। चलिए वापस आ जाए जरा यहां पर से, तो क्या है रखा आपके पास, टी नॉट से टी वन आई इक्वल टू वन से एन डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई डॉट और ये डी टी,
इक्वल जीरो। सुनना, इसको मैं ऐसे लिख रहे बताना, देखना कोई दिक्कत बताना। आई बराबर वन से नहीं, समेशन अलग अलग कर लो, एकदम इंटीग्रल ही अलग अलग कर लो। इसमें अलग लगा लेना इंटीग्रल, इसमें अलग लगा लेना इंटीग्रल, अलग अलग। ये ऐसे भाई, ये लिखा आपका कितना dt, और यहां अलग, इसमें भी चला गया। इसमें करोगे समेशन तो ऐसे ही रहेगा आपका, और ये लिखा है डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये इसमें चला गया, ये लिखा हुआ है इंटीग्रल अलग अलग कर लिया। अब ये समेशन इसमें भी गया, इंटीग्रल अलग अलग किया, ये टर्म ऐसे ही लिखा है। इसको क्या लिख रहे हैं, सुनना ध्यान सब लोग, इसको लिख रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यू आई, और ये लिखा आपका डी टी। अरे बात वही है, जब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्यू आई का क्या हो जाएगा, क्यू आई डॉट, फिर वही आ जाएगा। तो डी बाई डी टी क्यू आई लिख दिया हमने, साइड में लिखते रहिए भी आपके लिए हम, डी बाई डी टी क्यू आई डेल क्यू आई का मतलब क्या हो गया भाई, अरे डेल बाहर हो जाएगा आपका, ऐसे लिख दोगे इसको, और क्यू आई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, उस पे डॉट लग जाता है ऊपर, ये लो। तो बात वही है भाई, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, साइड में लिख दे रहे काफी चीजें, ये तो कुछ मत करना, इसको लिखा रहने दो। इसमें करिए, इसमें इसमें क्या करो भाई, इसको मानिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मानिए सेकेंड फंक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लेना भाई, साइड का मिरेज करे, जगह नहीं लिखने की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड से मिरेज करेंगे, ठीक है, इरेज कर रहे हैं, साइड का इरेज कर दे रहे भाई, जगह नहीं लिखने की। चलो तो यहाँ पहले टर्म तो ऐसे ही, इसको कुछ नहीं करना आपको, आई इक्वल टू वन से एन, ये आखिरी तक चलता रहेगा भाई, इसे कुछ नहीं करना आपको। इक्वल में जीरो लिखा था, ठीक है, इक्वल में आपका जीरो लिखा हुआ था। चलो कोई दिक्कत बताना कहीं पर, ये इसको या तो उधर भेज दे रहे, रुक जाओ, बार बार लिखना ना पड़े, इसको उठाओ उधर भेज दो, ठीक है, चलो बार बार लिखना ना पड़े इसको, मैं इसको उठाओ उधर भेज देना, माइनस का हो जाएगा ये, बार बार इतना बड़ा बड़ा हमको लिखना नहीं पड़ेगा, एलएचएस में चलता रहेगा ये चीज। ठीक है, चलो बाकी क्या बचा है बोलो, इधर इसमें फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ऐसे ही समेशन तो चलता रहेगा भाई, ठीक है ना, समेशन आपका चलता रहेगा, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे हम लोग। चलिए भाई क्या होगा देखना जरा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, ये लिमिट लगाओगे आप T नॉट से T1, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही से चलता रहेगा भाई, आई बराबर वन से नहीं, से ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर D बाई डी टी हट जाएगा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत बताइए भाई कहीं पर, ठीक है, चलिए दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब सुनना जरा, इसकी वैल्यू हम बता रहे क्या है भाई, ये बताना जरा ध्यान सुनना, हम बता रहे आपको डेल क्यू आई जो है, डेल क्यू आई की मतलब क्या होता है बताओ जरा सा, चेंज इन वेलोसिटी, भाई सॉरी वेलोसिटी कह रहे, डिस्प्लेसमेंट, डेल क्यू आई क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अब ये कुछ भी होगा भाई क्यू आई, हम सिर्फ चेंज इन क्यू आई कह रहे हैं बस, और कुछ नहीं, डेल क्यू आई का, डेल्टा क्यू आई का मतलब है
चेंज इन क्यू आई किस पे एट टाइम टी नॉट टू टी वन टू ये टू बाई टू टू टाइम ऐसे लिख रहे टू टाइम टी वन इसमें ऐसे लिख दे रहे इसलिए नहीं तो आप कहोगे ये भी टी नॉट है दो दो बार टी नॉट लिख जा सोचोगे। अब ये बताओ जरा भाई इसमें कहीं टाइम है नहीं है टाइम नहीं है कहीं भी जब टाइम नहीं है तो इसमें चेंज कुछ नहीं होगा इसका मतलब टी नॉट पे भी जो क्यू वन रहेगा और क्यू जो क्यू रहेगा अब क्यू वन क्यू टू क्यों भी रहेगा भाई टी नॉट पे जो रहेगा वही टी वन पे रहेगा ठीक है। अब क्यू वन ले लो चाहे क्यू टू ले लो चाहे क्यू थ्री ले लो किसी को भी कह लो ठीक है क्योंकि इसमें टाइम है नहीं जब टाइम है नहीं थोड़ी देर के आप क्यू वन ले लो डेल्टा क्यू वन का मतलब क्या हो जाएगा भाई ये बताओ डेल्टा क्यू वन का मतलब है या क्यू आई रहने दो चलो क्यों बात नहीं डेल्टा का मतलब ऐसे लिख सकते हो डेल्टा पढ़ाओ कभी ऐसे लिख सकते हो क्यू टू माइनस क्यू वन पढ़ा होगा भाई डेल्टा टी बराबर था टी टू माइनस टी वन। अब बताओ इसमें टाइम है कहीं नहीं इसमें टाइम है कहीं नहीं तो टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं तो इसका मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करने का मतलब है जो ये होगा वही ये सेम बना रहेगा क्यों टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा है तो ये इसका मतलब टाइम टी वन पे और टाइम टी टू पे अलग अलग दोनों टाइमों पे इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी किसकी किसकी क्यू की वैल्यू इसका मतलब क्या हो गया ये दोनों सेम क्यों सेम क्योंकि इसमें टाइम टी है नहीं जब टाइम टी नहीं है तो दोनों सेम अलग अलग टाइम पे तो इसलिए जीरो ये देखने में नहीं लग रहा अलग अलग ये अलग अलग नहीं होगा लेकिन क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा यहाँ कहीं डॉट दिख रहा है कुछ कोई डॉट दिख रहा है ऊपर डॉट नहीं है इसका मतलब टाइम नहीं है इसमें टाइम है नहीं जब टाइम नहीं है इसमें तो फिर टाइम अलग अलग दोनों टाइमों पे सेम होगा तो कट के जीरो दे देगा। चलिए ठीक है स्क्रीनशॉट लूंगा ऊपर से लिखे बस हो गया है स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार प्रेस कर रहे हैं तो ये जीरो हो जाएगा आपका तो जरा बताना ये सब साइड में आपके लिए है खाली तो ये आपका हो जाएगा माइनस टी नॉट से टी वन आई इक्वल टू वन से एन डेल एल बाई डेल क्यू आई डेल्टा क्यू आई डी टी फिर आ जाना ये आपका जीरो हो गया प्लस ये पूरा ऐसे ही रखिए बराबर नीचे लिख रहे भाई जीरो हो गया ये पूरा ऐसे ही डी बाई डी टी ऑफ चलो ये इधर ले लेना ये वाला इधर ले लो ये प्लस का हो जाएगा और इंटीग्रल दोनों एक साथ ले लेना तो ये आपका हो जाएगा कितना देखो समेशन आई इक्वल टू वन से एन और डेल्टा क्यू आई दोनों में कॉमन डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एल क्यू आई डॉट डेल एल बाई डेल क्यू आई और डेल्टा क्यू आई डी टी इक्वल टू जीरो ठीक है। आखिरी बात क्या भाई कंपेयर कर दो उधर भाई ये इंटीग्रल पूरा इंटीग्रल क्या है जीरो है ये तब बने जीरो जब ये पूरा जीरो कर दो बस खत्म भाई डायरेक्ट लिख दो इसमें कुछ समझाना नहीं है ये पूरा इंटीग्रल तभी जीरो बनेगा जब अंदर वाला पूरा जीरो हो बस खत्म This is the Lagrange's equation. Important था भाई इसे कराना जरूरी था चलिए
इधर वाला पार्ट खत्म हो गया भाई, कुछ चीजें हैं हम और लिखा रहे, पीछे का है वो आप बस खाली लिख लो, इस चैप्टर का काम खत्म हो गया भाई। ये पीछे का चैप्टर कुछ चीजें हैं, मतलब पीछे एकदम पीछे नहीं, हम बता रहे कहां पर है। आयलर्स डायनामिकल इक्वेशन,